फर्स्ट स्पेल काफी महंगा था, सेकंड स्पेल में क्या लेंथ चेंज किया, किस तरह शॉर्ट पिच पे क्या था, ये आइडिया था या फिर कल संदीप वाड़िया को ने भी सेकंड स्पेल में ऐसा ही किया था? अगर आप मेरा पिछला मैच देखोगे तो पिछले मैच में भी हमारी सेम स्ट्रेटेजी थी कि अगर हम लास्ट सेशन में शॉर्ट बॉल्स यूज करेंगे तो फायदा मिलेगा, क्योंकि बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है, इतना मूव नहीं करता आगे से। अगर आप फील्ड के हिसाब से बॉल डालोगे, छोटा बॉल डालोगे तो फेवरेबल हो सकता है आपके हाथ में। भाई बाबा ब्रदर्स के बीच में एक पार्टनरशिप हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या डगआउट में क्या बातचीत थी? उस टाइम पे मेन हमारा एम यही था कि पहले एक विकेट के ले जाए, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम अगर एक आती है तो साथ में दूसरी आ ही जाती है। तो हर्षित एक आध मैच ही खेले हो, आज अटैक लीड कर रहे हो, तो कैसा लग रहा है, मतलब आपको, मतलब आप कैसे प्लानिंग कर रहे हो ज्यादा? नहीं, काफी अच्छा लगता है अगर आप दिल्ली जैसी बड़ी टीम को लीड करते हो। तो इस सेटअप के बारे में बात, जिस तरह शॉर्ट पिच किया आपने लगातार दोनों भाइयों को, अपराजित को एक चौका भी लगा, बट उसके बाद वो एक ट्रैप सेट किया था। यही था कि वो शॉर्ट खेले, हाँ, बॉल लीव ना करे, क्योंकि अगर वो शॉर्ट खेलेंगे वो मुझे ओवर में दो या तीन बाउंड्रीज मार दे, उससे फ़र्क नहीं, हमें विकेट्स के लिए जाना, क्योंकि अगर आप स्कोर बोर्ड देखोगे तो ऑलरेडी रन तो लग चुके हैं बट हमें विकेट्स चाहिए, तो मेन वही एम था। इज द बाउंस अ बिट स्पंजी वन? नो, नॉट रियली एक्चुअली। I think we also did the same thing, bowled a lot of balls as well, bowled a lot of short balls, but I think sometimes it's a bit too paced and you're caught in between whether to hit the ball or leave the ball, so these things happen actually. And where you're placed right now, do you think this will still be with, because overs are being curtailed every day over here, so is there a chance of an outright for any team or Tamil Nadu is in a better position, you'd say, for day two? No, I think it's even right now. It can go either way, and it's very hard to say if it will go, I mean, as an outright game. It's very difficult to say, but definitely, I think in the last one session, having lost three wickets consecutively has opened up. Are the points going around in the team's mindset that, you know, you need points, you need 6 points or probably 7, considering the table? No, not really, because last game, yes, obviously we lost outright, but that was there in our mind, but we have spoken about it and we have told that we'll build. I mean, if there is an opportunity, we'll push for an outright, because you can't go into a game looking for an outright. You never know if you get the lead or not. But and I think we are in a situation where we need to focus on the lead first and then take the game forward.